हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टीना। और आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कि आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। बेसिकली जो भी आपके पार्टनर होंगे लॉन्ग टाइम फुल लाइफ के लिए, जिनसे आपकी शादी होगी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होने वाली है, हम वो चेक करेंगे आज की इस वीडियो में। सो यहाँ पर हमारे पास तीन पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1 है किंग ऑफ कप्स, ये पाइल नंबर 2 है द लवर्स, और ये पाइल नंबर 3 है द वर्ल्ड। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी। वो स्टार्ट करने के बाद नहीं, वो देखने के बाद देख लेना। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टाइम स्टैम्प्स कि पाइल नंबर 1 कब स्टार्ट हो रही है, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 कब स्टार्ट हो रही है। वो टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीनों में से जो भी कार्ड आपको लगता है इसके नीचे आपकी जो भी रीडिंग है वो है, आप उस कार्ड को चूज कर लीजिए एंड देन वील स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 किंग ऑफ कप्स। और अगर आपने अभी तक किसी पाइल को चूज नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और देन चूज कर लीजिए अपनी कोई भी पाइल, और टाइम्स में जाके देख सकते हैं आपकी पाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। सो थैंक यू। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था ये वाला, देख लेते हैं आपकी कैसी बॉन्डिंग रहने वाली है, कैसी मतलब रिलेशनशिप रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। काफी अच्छे कार्ड्स हैं, मिले जुले भी हैं और ओवरऑल काफी अच्छे कार्ड्स हैं। तो डोंट वरी, अगर आपको ज्यादा एंजाइटी होती है ना किसी भी चीज के डिसीजन या उसके रिजल्ट को लेकर, तो पहली बात तो एंशियस मत हो, रीडिंग अच्छी आने वाली है आपकी। और दूसरी चीज, स्टार्ट करते हैं रीडिंग अभी। सो यहाँ पर ऐसा किंग ऑफ कप्स आपने चूज करा, डेफिनेटली अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो यू नो किंग ऑफ कप्स कैसा, एक हम्बल एक स्वीट सा किंग, मतलब किंग है लेकिन उसमें करुणा बहुत है, मतलब यू नो काइंडनेस बहुत है, एम्पथी बहुत है, उस तरह के किंग हैं ये। तो यू डेफिनेटली वॉन्ट अ पर्सन जो चाहे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, चाहे उनके पास सब कुछ हो, लेकिन वो अपने ग्राउंड जो अपनी जमीन है उसको ना छोड़ते हो, मतलब बेसिकली ग्राउंडेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, उस तरह के पर्सन आपको ज्यादा पसंद आएंगे। वो दिख रहा है एविडेंटली किंग ऑफ पेंटिकल्स भी इसी में आया है। सो डेफिनेटली यू वॉन्ट अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनका दिल बहुत अच्छा हो, बाकी सारी चीजें 19-20 आपको कम चलेंगी, पर स्टिल यू वॉन्ट अ फुल पैकेज, यू नो जिसमें सारी क्वालिटीज हो। वो हैंडसम होने चाहिए, अच्छे उनमें ना कोई टैलेंट भी होना चाहिए लाइक डांस सिंगिंग टाइप, और अट्रैक्टिव होने चाहिए, स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए उनका, और पैसा भी होना चाहिए, स्टाइल और क्या बोला था मैंने, फ्रेंड्स होने चाहिए, ग्रुप हो, मतलब इतना बड़ा ग्रुप नहीं कि वो सारे दिन उन्हीं को टेंशन दे, बट हाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम बहुत स्पेंड करे, पार्टी करे, घूमे फिरे, ट्रैवलिंग, यू लव ट्रैवलिंग, और स्पेशली विद योर पर्सन, विद योर सोलमेट। तो आपको एक बहुत कंप्लीट पैकेज चाहिए जैसा मतलब किसी का भी ना हो। आपको लगता है कि ऐसा पर्सन मतलब है ही नहीं, पर वो आपको मिलना चाहिए। सबकी मतलब होती है एक ख्वाहिश कि भाई मेरे वाला अलग हो, वैसे सी आपकी ख्वाहिश है। तो चलिए देखते हैं मिलेगा कैसा। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे वैसे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है इस पाइल को देख के। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखता है कि बहुत अच्छा सुटेबल पार्टनर आपको मिलने वाला है, काफी अच्छे से आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे बहुत लेट मैरिज है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है आप 24, 25, 26, 27 में भी, मतलब आपके अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी लेट मैरिज नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जब आप चाहते हो आप शादी करना कि हाँ मैंने ये एज सोच रखी है मुझे अब शादी करनी है, तो आपकी शादी हो जाएगी व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर। सो एक तो आप सिक्योर्ड बहुत फील कर रहे हो जब आपकी शादी होती है, तो बिकॉज मेंटली प्रिपेयर हो, यू नो दैट यू वांट टू डू दिस थिंग। अब मतलब कईयों को ऐसा होता है ना, शादी हो जाती है उनको वो तैयार ही नहीं होते, बस ठीक है फैमिली ने बोल दिया, ठीक है रिश्ता सही मिल गया है, कर ली शादी, अंदर से उनको पता ही नहीं होता। जब बीत जाते हैं ना 5 साल, उनको ऐसा लगता है ओ माई गॉड हमने जल्दी शादी कर ली थी, वो ऐसे बोलते फिरते हैं दूसरों की शादियों में। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको पता है आपको शादी करनी है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद डेफिनेटली जब आप चाहोगे तो आपकी लाइफ में एक पर्सन आने वाले हैं जो कि बहुत सुटेबल मैच होगा, जो मैंने आपको बोला भी अरेंज मैरिज मुझे अगेन दिख रही है कि अरेंज मैरिज होगी और एक सुटेबल मैच होगा आपके लिए, और बहुत उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, फायरी एक्टिव लगेंगे बहुत ज्यादा, जैसे होते हैं ना कुछ लोग एक्टिव से जिनको देख के लगे कि हाँ बहुत कैसे बताऊं पैशनेट से अपने काम को लेकर और बहुत एक्टिव है, जैसे सबसे अच्छे से मिलना, कुछ लोग होते हैं ना जैसे शाय टाइप से होता है, एक कोने में बैठ जाते हैं और स्माइल करते रहते हैं, कई उसे तो स्माइल भी नहीं होती, वो मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं। और कई लोग होते हैं कि जैसे
चाहे कितने भी मतलब 10-15 लोगों से भी मिल रहे होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। वो सबसे अच्छे से ग्रीट करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे कि चलो मैं ये किस्सा सुनाता हूँ, ये वो। चाहे उनकी बातें इतनी फनी हो या ना हो, बट दे आर एक्टिव, सोशली एक्टिव, लाइक किसी से बात करने में इतनी हेजिटेट नहीं होती। तो दैट काइंड ऑफ अ नेचर ही हैज, और काफी अच्छा होने वाला है। और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो जो भी बंदी आपको मिलने वाली है, तो शी विल बी अ सोशली एक्टिव पर्सन, और अच्छी जॉब होगी उनकी, जॉब में जरूर होंगे आपके पार्टनर जो भी हैं, मतलब पैसा कमा रहे होंगे। मेरे को जॉब ही दिख रही है, बिजनेस बिजनेस मुझे कम दिख रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली में करते हो और वो अपने जॉब में शिफ्ट हो चुके हों, पर वो अपना खुद का कुछ ना कुछ करते होंगे, बिकॉज दे डेफिनेटली बिलीव ऑन दैट कि खुद का काम करने से ही सब कुछ मतलब मैटर करता है ज्यादा। कईयों को होता है ना, जैसे फैमिली बिजनेस है उसमें करने लग जाते हैं, लेकिन फिर वो यू इश्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि ये तो भाई पेरेंट्स ने करके दिया है मुझे, मैंने खुद अपनी लाइफ में क्या किया है। तो उनको ये चीज है कि मुझे अपनी लाइफ में खुद का कुछ करना है, तो वो खुद का कुछ, चाहे वो जॉब से स्टार्ट करें या किसी भी चीज से, तो वो खुद का वो जरूर कुछ कर रहे होंगे। शादी बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, मतलब एक ऐसे बोलता है ना, यहाँ पे देखो एक स्टार का कार्ड भी है जो यहाँ पे साइड में दिख नहीं रहा था, फोकस कर दिया मैंने, द स्टार का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है। तो बेसिकली जैसे डेस्टाइंड होती है ना मैरिज, कि यही मैरिज होने लिखी है आपकी लाइफ में, चाहे कितने भी रिलेशनशिप रहे हो नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में यही पर्सन आना कंपल्सरी है। मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये ही पर्सन है जिनके साथ आपका खुश रहना या आपकी जिंदगी है जो वो इनके साथ ही बितानी लिखी है, इट डेस्टाइंड। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप जरूर होगा उससे पहले, और ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे, आई एम नॉट सीइंग एनी डिवोर्स हेयर। सो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो गुड लक, आपका सही चलने वाला है, आपके वही, अगर आप मैरिड हो और रीडिंग देख रहे हो तो वही आपके पार्टनर है और सही सही चलेगा, नहीं छोड़ने वाले आपको, चाहे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। पर वैसे एक अगर रिलेशनशिप कोई रहा हो शादी से पहले, तो हाँ ब्रेकअप हो जाएगा, एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिख रहा है, मूव अवे होते हुए भी दिख रहे हो, अलग होते हुए भी दिख रहे हो, सब चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, उसके अलावा अब अगर बात करें बॉन्डिंग की, एक तो जैसे आपका ब्रेकअप होगा या हार्ट ब्रेक होगा आपकी लाइफ में, जैसे आप डाउनफॉल्स देखोगे, उसके बाद यू विल बिकम अ मैच्योर पर्सन, अपना पहले से ज्यादा, जैसे एक होता है ना मैच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर, उस समझदारी आ जाती है आपके अंदर, वो आ जाएगी, आप चीजों को लेट गो करना सीख जाओगे। पहले आप एंशियस ज्यादा होते हो, आपको ना मतलब जैसे हर चीज की टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर वो आप एंजाइटी में काम करते हो कोई भी, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में यू नो काइंड ऑफ एक सर्टेन एज पे पहुंच जाओगे, अप्स एंड डाउन्स देख लोगे, तो आप ये समझ जाओगे भाई एंजाइटी से कुछ नहीं होता, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, पैनिक होने से कुछ नहीं होता, जो भी पेशेंटली मैं काम करूं वो ज्यादा मेरे लिए बेटर है। तो वो चीज आपको आपके रिलेशनशिप में भी ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज आपके जो रिलेशनशिप है बहुत सटल और बहुत ही ज्यादा, जैसे एक लगता है ना एक सुलझा हुआ बैलेंस्ड रिलेशनशिप वो दिखाई दे रहा है, लाइक अपने रिलेशनशिप में आप काफी बैलेंस्ड हो। एक तो जो आपके पार्टनर है वो काफी एक्टिव है, इन द सेंस के उन वो जैसे प्लानिंग करना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज प्लानिंग करना, वो सारा काम वो खुद ही कर लेंगे, तो आप उस रिलेशनशिप में बैलेंस का काम करोगे। मतलब जैसे अगर आप ज्यादा हो एक्साइटेड, ऐसे होता है ना, जैसे वो मूवी है जब वी मेट, उसमें करीना कपूर होते हैं फुल ऑन एक्साइटेड, एकदम पूरी खुली एकदम ना, देखी होगी तो वो मूवी, और शायद होता है वो एकदम कैसे में चोर होता है, वो थोड़ा हैंडल कर रहा होता है चीजें अच्छे से, अच्छे वे में। लेकिन फिर जब बाद में हो जाता है इंटरवल के बाद, करीना बहुत एकदम शांत सी हो जाती है, फिर शायद कपूर वो पुरानी चीजें कर रहा होता है बैलेंस करने के लिए। तो उसी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप है, एक बंदा मतलब अगर मस्ती कर रहा है तो दूसरा चीजें संभाल रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है दूसरा, अगर और ऐसा है चीजें स्विच भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है हमेशा एक ही बंदा एंजॉय करा जा रहा है दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन निभाया जा रहा है, नहीं, आप दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, विच इज अमेजिंग। और किसी को अगर वो कपल अच्छा भी लगता हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरे दिमाग में वो आया है कि उस तरह का कपल होगा, फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, नई चीजें साथ में एक्सप्लोर कर रहे हो, घूम रहे हो फिर रहे हो, मतलब काफी अच्छा सा, बहुत सारी नई चीजें आप उनके साथ एक्सप्लोर करोगे। कई बार ऐसा होता है आपको लाइफ में ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ देख लिया, अब मुझे क्या ही देखना बाकी है, बट स्टिल यू गो नो फील न्यू फीलिंग्स विद दैट पर्सन, यू गो नो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स विद दैट पर्सन। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको आपने अभी तक नहीं जाना है, उस पर्सन को मिलने के बाद आप जानोगे। कईयों के लिए तो देखो, कईयों को ऐसे ही लगता है कि ना सारे आदमी बेकार होते हैं या धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं,
कि उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कईयों को एक ऐसा पर्सन मिल जाता है उसके बाद उनको ये लगता है कि नहीं सारे एक जैसे नहीं हो सकते, देयर इज वन पर्सन हु कैन केयर अबाउट यू, ठीक है ना। तो उसी तरह से चीजें नहीं पता चलेंगी आपको दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, अपनी सोच को बदलता महसूस करोगे और स्टेबिलिटी लाता हुआ महसूस करेंगे। एक पॉइंट पे ऐसा है कि आपको अकेलेपन से भी शायद डर लगता होगा, लेकिन आप अकेला रहना सीख जाओगे। और अकेलेपन में भी अकेलापन महसूस नहीं होता ना, वो वाला एक होता है कि आप ठीक है अकेले रह रहे हो, लेकिन एक वो बोझ फील हो रहा है, जबरदस्ती लग रहा है कि अकेले तो रह रही हूँ लेकिन डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, बोर हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं करने को कुछ नहीं है या मुझे कोई बात करने को भी नहीं है, और उस तरह के फीलिंग्स के अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाना किसी से, उस तरह की चीजें हो जाती है जब जो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है कोई है ही नहीं लाइफ में, किससे बात करूं। तो इस पर्सन को मिलने के बाद आप अकेले हो, कोई काम कर रहे हो, आप साथ में हो, नहीं हो, यू विल फील स्टेबल विच इज अ ह्यूज ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। मतलब जब तक आप अपने पर्सन के साथ हो और सिक्योर फील करते हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका पर्सन आपके सामने नहीं है, वो अपने काम पे गए हुए, वेकेशन पे गए हुए, कोई और काम में बिजी है, चलो किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी आप सिक्योर फील करते हो, फिर भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, फिर भी आप उनके रिस्पेक्ट करते हो, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अपने मन को भी शांत करना कि भैया मेरा पर्सन कहीं पे भी जा रहा है लेकिन वो मेरा ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो फीलिंग आपके अंदर रहने वाली है, वो फीलिंग ये पर्सन आपके अंदर लेके आएंगे बकायदा, बिकॉज ही इज सो प्योर एंड सो जेन्युइन। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, जैसे नॉर्मल कहासुनी हर इंसान के बीच में होती है वो आपके बीच में भी होगी, बट आप उससे बाहर बहुत अच्छे से आओगे। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, पता नहीं मैंने वीडियो में कितनी बार बोली है, नहीं बोलती, रियल लाइफ में मैंने बहुत बार बोलती हूँ मैं, कि कोई भी रिलेशनशिप होता है देखो ये तो मेंट ही है, ये तो होना ही है कि आपने लड़ाई झगड़े तो करने ही है, चाहे आपके दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, इतनी लंबी लाइफ है, ऐसा तो है ही नहीं कि होगा ही नहीं कभी, लेकिन उसके बाद आप एक दूसरे को मनाते हो या नहीं मनाते हो, सॉरी बोलते हो या नहीं बोलते हो, झगड़े को कितने दिन में या कितने घंटों में खत्म करते हो, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। एक होता है कपल जो उस जरा सी बात को ठीक है झगड़ा हो गया लेकिन उसके बाद सॉरी नहीं बोलना, दोनों अपनी ईगो में रहते हैं, फिर 6 दिन बाद एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें भी क्लेश करते हैं कि तुम ऐसे बोले थे, तुम होल डिफरेंट स्टोरी, पूरा प्यार की ऐसी तैसे हो जाते हैं उसमें। लेकिन एक कपल होता भयंकर भर के लड़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद दे आर लाइक बैक टू नॉर्मल, सॉरी बोला, बात खत्म करी, अपना डिनर किया और शांति से सो गए, कोई दिमाग में जोर नहीं, कोई ब्रेन पे प्रेशर नहीं कि अगले दिन मेरे को फिर अपनी ईगो दिखानी है, मुझे बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं। सो दैट इज काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी दैट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस पाइल नंबर 1, एंड दिस रिलेशनशिप सो ब्यूटिफुल, सो सिक्योर्ड एंड अल्टीमेट ब्लेसिंग। मतलब इस तरह का कोई इंसान आपकी जिंदगी में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको पेरेंट्स के लिए हमेशा महसूस होता है ना कि दे आर फॉर मी, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए ये तो मेरे लिए खड़े हैं। मोस्टली लोगों को ये पेरेंट्स के लिए फील होता है, भाई बहन के लिए फील होता है, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए फील होता है, वैसा आपको अपने अगर पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए फील हो जाए कि भाई मैं लाइफ में चक किसी की गर्दन नहीं उड़ा के आ जाऊं, ये बंदा है मेरे साथ खड़ा है, ये जरूर मेरे को समझेंगे और ये जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे, भाई मेरा साथ तो देंगे अब कुछ भी होए। तो उसी तरीके से अच्छे बुरे में हर चीजों में आप एक दूसरे के साथ हो, लड़ाई झगड़ा भी हो जा रहा है तो बड़े समझदारी से उस चीज को ओवरकम कर पा रहे हो, मन में खटास नहीं लेके आ रहे, हालांकि होंगे लड़ाई झगड़े भी पर, और बड़े भी होते हैं भाई, देखो जिंदगी का जैसे ये लाइफ है, इट्स अ प्रोसेस, छोटे कभी छोटे झगड़े होते हैं, कभी बड़े झगड़े होते हैं, कभी और बड़े हो जाते हैं, कभी और बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक आपके पार्टनर का अफेयर किसी के साथ नहीं चल रहा हो, वो आपको गाली गलोच नहीं दे रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, ठीक है, बाकी झगड़े झगड़े होते ही हैं, दूध गिर गया, झाड़ू नहीं लगी, खाना नहीं बना, हो रही है इस बात पे लड़ाई तो हो रही है, होती रहेगी, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल्स, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, और अगर आपसे मैच करती है तो जरूर, और रीडिंग को क्लेम जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज किया था, सो द लवर्स का कार्ड चूज किया है, डेफिनेटली यू वॉन्ट अ लव रिलेशनशिप, और किसी से प्यार करते हो, पसंद करते हो, यू रियली वॉन्ट कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। अब ये यहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पर इंसान को आप पसंद करते हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप ही रहा हो, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं या फिर आप
आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, बात बात होती हो, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यू स्टिल वॉन्ट दैम इन योर लाइफ। या फिर आपको लव मैरिज करने की बहुत ख्वाहिश होती है, कई लोगों को होती है ना ख्वाहिश लव मैरिज करने की, कि भाई शादी हो तो लव मैरिज हो, अरेंज तो भाई कोई क्यों ही करेगा ना, मतलब उसमें तो आपको पता नहीं रहता कैसा पर्सन और कैसा नहीं, और फिर दिक्कत होगी काम का। प्यार से शादी करने मतलब अपने प्यार से शादी करने का मजा ही कुछ और होता होगा ना। तो इट्स जस्ट लाइक यू यू वॉन्ट टू फील दैट फीलिंग। सो चलिए देखते हैं होगा क्या, कैसी बॉन्डिंग होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली यू आर वेरी अग्रेसिव एज अ पर्सन, और आप बहुत डोमिनेटिंग भी हैं। अगर आपने कुछ कह दिया तो कह दिया, वो पूरा होना चाहिए, यू आर रियली लाइक दैट वे। लेकिन आपके अंदर काइंडनेस भी है बहुत, आप लोगों के लिए अच्छा करने की भी सोचते हो, बल्कि आपको कोई हेल्प के लिए बोलता है तो आप हेल्प जरूर करते हो, उस तरह का नेचर है आपका। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, काफी अच्छी है, लेकिन वो बॉन्डिंग एग्जैक्टली कैसे होने वाली है उस पार्टनर के साथ, उस पर्सन के साथ। बहुत ज्यादा हद तक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव मैरिज है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी फैमिली मान जाए, और दिख भी रहे हैं कुछ चांसेस कि आपकी फैमिली मान जाएगी, लेकिन बहुत कम चांसेस। बहुत हद तक ये लग रहा है कि शायद आप अरेंज मैरिज कर लो बाद में, अगर आपको एक बेटर ऑप्शन मिले, और हो सकता है आप पहले ब्रेकअप कर लो, फिर आपको कोई नेक्स्ट पर्सन मिले जो आपको लगे कि ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मैच्योर है, प्रैक्टिकली इस इंसान से शादी करना ज्यादा बेटर है, और आपकी फैमिली मान जाए। तो बेसिकली कोई भी केस हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जहां पे आपकी फैमिली भी एग्री करेगी आपके साथ साथ, मतलब दोनों का इक्वल है। इट्स नॉट लाइक आपकी फैमिली ने हाँ कर दिया और आप मना कर रहे हो तो शादी हो जाएगी, नहीं, आप भी हाँ करोगे एंड देन योर फैमिली ऑल्सो के वो भी हाँ मुझे पसंद है अब आप कर सकते हो, वैसा वाला बात है। यहाँ आपके लिए बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है, डेफिनेटली यू हैव सम इश्यूज, बहुत मतलब ट्रॉमा से शायद गुजरे हो या बहुत बुरा टाइम देखा है मेंटली, फिजिकली मुझे नहीं लग रहा, मेंटली आज जैसे आपने बहुत ज्यादा इश्यूज जैसे टॉलरेट कर रहे हैं अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर कि मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसे बात कर रही हूँ, लोग मेरे साथ अच्छा से बिहेव नहीं करते, या किसी ने आपका बहुत मजाक बनाया हो, या फिर किसी ने आपको बुली किया हो, या लोगों ने कुछ बोला हो, उस तरह की चीजें आपके अंदर बहुत भरी हुई है, एंड यू रियली वॉन्ट टू फाइट दोज थिंग्स, कि आप उसे ओवरकम करना चाहते हो। और डेफिनेटली मैं बताऊं, ये चीज आपको रियलाइज है कहीं ना कहीं अंदर से कि हाँ मेरे साथ ऐसा है और मुझे इसको ओवरकम करना है, एंड यू विल गोना ओवरकम। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा ना कि आपको ओवरकम करना है, यू आर फार बेटर फ्रॉम योर बुलीज, या फिर किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, यू आर अ बेटर पर्सन देन दैट और देन देम। सो आप उस चीजों से जरूर ओवरकम करेंगे, और एक बार आप सोच लेंगे तो बहुत जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अट्रैक्शन होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक चीज और है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप अपनी जॉब में वर्क प्लेस पे मिले, तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई रिलेशनशिप सर्वाइव करे, बन भी जाता है तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जहां पर अगर आप मान लो अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको कोई पर्सन मिला है, वहां आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, सिक्योरिटी है, मैच्योरिटी है, एंड देन फैमिली को कन्विंस करना भी इजी है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज थोड़ा सा ऐसा कम लग रहा है ऑप्शन कि भाई अरेंज मैरिज की तरफ ही ज्यादा है लव मैरिज, मतलब आप ही जो ऐसा आपका नेचर है ना, आप ज्यादा लॉन्ग रन में रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिकॉज यू हैव सो मैनी इश्यूज इन योर माइंड, और आप सामने वाले के बारे में नेगेटिव, अपने रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव, खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हो, तो वो हैंडल नहीं होता आपसे, एंड फिर आपको लगता है ठीक है उसको छोड़ के जाना तो चला जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो उस काइंड ऑफ थिंग्स हो जाती है। यू हैव सम इश्यूज, नॉट इन अ बैड वे बट यू हैव। अच्छा बात करें कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, देखो बहुत अच्छी होने वाली है ऐसे तो, लेकिन आपको ये जो आपका इमोशनल जो बैगेज है ना उसको रिलीज करना पड़ेगा बिफोर एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आप ये भी चाहते हो ना आपको लव मैरिज करनी है, तो भी जब आप रिलेशनशिप में हो तो जो आपका इमोशनल बैगेज है उसको हटा दो, उसको रिलीज कर दो। देखो अगर आप ऐसा पर्सन को भी पसंद कर लेते हो जो मान लो आपको डबल डेट करे, क्रॉस करे, आप डिच कर दे, छूट दे, ब्रेकअप कर ले, झूठ बोले, तो भी दिस इज नॉट योर मिस्टेक, आपकी सिर्फ जजमेंट थोड़ी पुअर होगी, आपने उसको ढंग से जाने बिना या उसको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और आपने उसको चूज कर लिया, सिर्फ यहाँ तक आपकी गलती है, उसके अलावा उसका करैक्टर कैसा है उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें आपने कुछ नहीं करा है,
और कोई ऐसा भी नहीं होता है कि कोई बंदा मतलब एक नंबर का प्ले बॉय हो और अचानक से वो आपके लिए बदल जाए, दुनिया छोड़ दे, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। उसको भी हकीकत में ऐसा करवाने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसी स्टोरीज भी सुनने को मिलती है ना, तो ये सारे लड़के ही फैलाते हैं कि हाँ भाई वो फलाना प्ले बॉय था, अब इसके लिए बिल्कुल सुधर गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बकवास होती है लड़कों की। ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसको आप पसंद करते हो, तो पसंद करो उसे। उसके अलावा जब तक आपके बीच में वो रिलेशनशिप उस हद तक ना हो, तब तक ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो पर्सन इस तरह का नहीं है कि आप उसे एक्सपेक्टेशन करो या आप उसके साथ कंटिन्यू करो रिलेशनशिप, तो इट्स ओके, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द पाउंड। ठीक है ना, कोई और मिल जाएगा, इट्स नॉट योर मिस्टेक। कई बार होता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी, इवन कि सामने वाला आपको डिच भी करता है, आपको धोखा भी दे रहा होता है ना, स्टिल यू विल लाइक कि नहीं मेरे को तो इससे प्यार था, मैं तो उस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो हम उस रिलेशनशिप के साथ चिपके रहते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप में इतना दुख क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, होगा ही ना। यू आर नॉट विद द राइट पर्सन, यू आर नॉट विद द पर्सन जिसको आप डिजर्व करते हो। कोई रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए ना, जब ढोल के जैसा होता है ना, दोनों साइड से बजता है तो अच्छे से आवाज आती है मधुर, वैसा होना चाहिए ना भाई। आप भी एफर्ट करो तो वो भी एफर्ट करे, ऐसे थोड़ी ना एक ही बंदा एफर्ट करे जा रहा है और दूसरा बज जा रहा है, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू चेंज योर दोज काइंड ऑफ हैबिट्स, अदरवाइज आप बहुत परेशान रहोगे अपने रिलेशनशिप्स में। एंड पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, पाइल नंबर 2 की रीडिंग करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाओ। यहाँ पे देखो दो कार्ड्स है ना, आपने अपने स्टक कर रखा है, जबकि आप इसमें हो सकते हो, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हो जिसमें बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, लव, अफेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। यू आर अ रियल क्वीन इन दिस रिलेशनशिप एंड यू रियली वॉन्ट दैट ऑल्सो, यू हैव दैट क्वालिटी ऑल्सो, बट यू आर स्टक, स्टक बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर इमोशनल बैगेज इन थिंग्स लाइक, बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। चेंज योर सेल्फ, बिकम द पर्सन जो अपनी ये जो इमोशनल बैगेजेस है वो रिलीज कर चुका हो, जो जो सामने वाला पर्सन है ना उसकी जो मिस्टेक्स है उसका बर्डन वो खुद के ऊपर ना लेता, उस तरह के पर्सन बनो, एक हेल्दी लाइफ जियो, एक हेल्दी माइंड सेट के साथ जियो, एंड देन चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी होंगी। देन जो आपके रिलेशनशिप्स होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा बेटर होंगे, ब्लिसफुल होंगे। थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप जहां पे दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। खुश है क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल्स हैं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करो तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप वो नाराज हो रहे हैं आप उन्हें मना रहे हो तो आप नाराज होंगे तो वो भी आपको मनाएंगे। थॉट अबाउट दैट, ऐसा रिलेशनशिप के पीछे मत भागो ना जिसमें आप ही भागे जा रहे हो। शुरू में क्या होता है कि इट्स अ जनरल पैटर्न, मैं आपको बता देती हूँ, हर लड़के का ऐसे ही होता है, मतलब हर नॉट लाइक हर, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो ये हमेशा होता है। पहले वो क्या करेंगे, दोनों साइड से हो सकता है लड़का या लड़की, पहले क्या करते हैं, बहुत पटाते हैं, अच्छे से तारीफ करते हैं, लाइन देते हैं, बात करते हैं, बात भी इतने टाइम तक करते हैं कि भाई आदत हो जाए सामने वाले को, और जब सामने वाले को आदत हो जाती है ना तो लड़के फ्री हो जाते हैं, चाहे वो आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो चाहे ना हो, लड़के फ्री हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उनको ये रहता है अब सेट हो चुकी है, अब अच्छे से उसको आदत हो चुकी है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तो वो सेट हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी दो केस हैं, कुछ लड़के होते हैं लॉयल, वो लॉयल्टी रखते हैं, लेकिन फिर लड़कियां क्या होती है, उनका दिमाग से चलता है, पहले तो पूरे दिन बात करते हैं, फिर टाइम नहीं है, तो लड़ाते रहते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लॉयल ही नहीं होते और इस वजह से लड़ाई होती है तो ब्रेकअप हो जाता है। तो दोनों साइड से होना क्या चाहिए, अब देखो उसको पता है कि कमिटेड है मेरे साथ रहेगी, इसको आदत है मेरी। सेम लड़की को भी होना चाहिए ना कि हाँ मुझे भी पता है कमिटेड है, उसको मैं पसंद हूँ, उसी ने मुझको बताया है, उसने मुझे टाइम दिया है ना, अब लेकिन अभी और दूसरे काम भी तो करने ना जिंदगी में, सारे दिन बात तो नहीं कर सकते फोन पे, यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर सारा दिन फोन पे बात करते रहोगे तो कुछ बनोगे नहीं लाइफ में, कुछ बनोगे नहीं तो कुछ कमाओगे नहीं, कमाओगे नहीं तो घर वाले शादी नहीं करेंगे, फिर ब्रेकअप हो जाएगा। सो इट जस्ट लाइक दैट। सो आपकी जो जिंदगी की जो सिचुएशन है और ये जो कहानी है वो इसी ट्रैक पे चलती है, तो उसको अच्छा कैसे करना है, ओवर थिंक नहीं करना, एंजाइटी नहीं करनी, इमोशनल बैगेज नहीं रखना, पहले जो हुआ वो हुआ, नॉट एवरी पर्सन इज सेम, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर आपको लगता है आपको चेंज की जरूरत है तो चेंज योर सेल्फ एंड
become the person you always wanted to become. And thank you so much for watching this video. Like, share, subscribe, zarur karke jana, aur comment section mein claim karna is reading ko. And more power to you. Thank you. हेलो पाइल नंबर 3 द वर्ल्ड का कार्ड जिन्होंने चूज किया था. काफी सारे कार्ड्स आए हैं आपकी पाइल में, सो देख लेते हैं कैसी रहने वाली है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग. काफी मतलब धुआंधार बॉन्डिंग है. काफी मिक्स्ड चीजें हैं यहाँ पर. ओके द वर्ल्ड का कार्ड है. बेसिकली यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. एक्सपीरियंसेस बहुत पसंद है आपको, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना. एंड यू रियली वांट अ पार्टनर. मतलब एक हैप्पी लाइफ होती है ना, जहाँ पे कपल है, दोनों बहुत सुंदर है, दोनों की मस्त फोटोज खींचती है और घूम रहे हैं दुनिया. यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. बट रियलिटी ऐसी नहीं है. रियलिटी में आपको ऐसे लोग मिले हैं जो लायक ही नहीं थे कि उनके साथ आप कहीं पे भी जाओ, कॉफी डेट पे भी जाओ, उस लायक भी नहीं थे. ऐसे भी लोग मिले हैं आपको अपनी लाइफ में जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, डिच किया है, छोड़ के चले गए और उसका ब्लेम भी आपके ऊपर डाल दिया, दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, उस तरीके से. जबकि गलती उनकी थी, उनसे लॉयल नहीं रहा जा रहा था, उनसे ऑनेस्ट नहीं रहा जा रहा था. वो आपसे झूठ बोल रहे थे, बातें छुपा रहे थे आपको. एक होता है देखो, अब्यूजेस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं. कई बार होता है ना, इसे मुंह पे गाली दे देना सीधा, वो तो है ही अब्यूज. लेकिन कई बार लोग अपनी हरकतें ऐसी करते हैं कि वो भी बहुत अब्यूजिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है. तो उस तरह के रिलेशनशिप्स आपने देखे हैं जहां पर आपको लगा था दैट पर्सन इज योर सोलमेट, बट ही इज नॉट, ही वॉज नॉट. तो ऐसी चीजें भी हुई हैं. लेकिन लकीली फॉर यू, इन योर केस डेफिनेटली यू आर अ वेरी बेटर पर्सन एंड यू ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. आपने अपने ऊपर भी बहुत काम किया है. यू आर अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है. तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक तो मुझे देखो काफी हद तक अरेंज मैरिज भी लग रही है यहाँ पर. लेकिन वो अरेंज मैरिज लव मैरिज भी हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है आपके लिए, कि आपको कोई पसंद हो. बिकॉज एस ऑफ कप्स नीचे ही आया है, तो या तो ये हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, फिर एक होता है ना बात बात करी, एक दूसरे के साथ मिले घूमे फिर रहे तो आपको उससे प्यार हो गया. या फिर ये हो सकता है कि प्यार हो चुका है एंड देन फिर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो. पर हाँ, आपकी लाइफ में एक ऐसा फील गुड रिलेशनशिप जरूर है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रह सकते हो, शादी कर सकते हो. और उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी वो बात करते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो तो आपने देख रखे हैं, आपको पता है कि कैसा था. लेकिन हाँ, उनकी बॉन्डिंग कैसी होने वाली है. पहली बात तो द सन का तो बहुत ही फन और पॉजिटिव मैरिज होने वाली है आपकी. आपके जो पर्सन है ना बहुत एनालिटिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है. जिनसे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके लॉन्ग टाइम कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप रहने वाला है, अल्टीमेट जिसके साथ बुढ़े होके मरोगे वो वाले, उनकी बात कर रही हूँ. तो उसमें क्या है, उनको वो बहुत प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल इन द सेंस के सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं. ही इज नॉट लाइक इम्पल्सिव. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया और ना, ही इज नॉट लाइक दैट. अगर आपसे कुछ मान लो कुछ हो गया, कुछ गलती होगी, कुछ ग्लास तोड़ दिया आपने, आप गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो भी वो बहुत ही आराम से सोचेंगे समझेंगे कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है. इम्पल्सिव नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आराम से बिहेव करना, बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, एनालिटिक रहना, कि मतलब किसी जिसकी गलती है ना उसी को समझाना. अदरवाइज तो वो ऐसे सोचते भी नहीं है कि किसी को बिना गलती के कुछ कह दूं या किसी को कुछ बोल दूं जो कि उसको सुनने में अच्छा ना लगे. सो बहुत ही केयरफुल है विद देयर वर्ड्स, कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को कैसा लग रहा है, विच इज अमेजिंग. अगर इस तरह का पार्टनर हो जो सोचने से पहले ये ध्यान में रखे कि मैं अपने पार्टनर को जो भी बोलूं वो उसको अच्छा लगे या उसको बुरा ना फील हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी है. तो उस तरह की क्वालिटी उनमें होने वाली है. बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होने वाले हैं वो, ये चीज बहुत अच्छी है उनके बारे में. फैमिली बहुत अच्छी है उनकी. इवन मतलब जैसे पूरा फैमिली होती है ना, एकदम शरीफों वाली फैमिली, के शरीफ से है, स्वीट से है, केयरिंग से लोग हैं. दे बिलीव इन फैमिली वैल्यूज, आपस में एक दूसरे का बहुत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से बहुत केयर करना एक दूसरे की, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम हो चुका है. पहले होता था, आज के टाइम पे बहुत कम है कि फैमिलीज की इतनी केयर नहीं होती, वैल्यूज नहीं करते आपस में, भाई भाई बहन वगैरह में बॉन्डिंग नहीं होती,
उस तरह की बिल्कुल फैमिली नहीं है उनकी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा से मतलब एक दूसरे की केयर करते हैं। आपके जो पार्टनर है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं और अच्छी रैंक पे होंगे, चाहे उनकी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत अच्छी रैंक पे होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, जैसे मान लो सीए वगैरह करी हो या डॉक्टर हो लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, उस तरह की चीज भी हो सकती है। लेकिन अच्छी प्रोफाइल होने वाली है जॉब की अकॉर्डिंग, तो मतलब काफी अच्छी प्रोफाइल होने वाली है और काफी पैसा वैसा, और स्टिल डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड पर्सन, एकदम नीट एंड क्लीन रहना, साफ सफाई बहुत पसंद होना उनको, बहुत ऐसा ध्यान रखना कि साफ सफाई, और खुद भी साफ सफाई करना। इट्स नॉट लाइक कि कोई और कर दे तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, नहीं तो वो गुस्सा करते रहे कि ये साफ क्यों नहीं है, नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक दैट। खुद भी साफ सफाई रखना, अपना नहाना धोना अच्छे से, अपने आपको पॉलिश रखना, ऐसे फंकी आजकल फंकी हेयर स्टाइल्स रखते हैं ना लड़के के, ऐसे आईब्रो में भी 3 कट मरवा लिए, उस तरह का लुक नहीं रखते, बहुत ही सिंपल सोबर सटल कि भाई इस पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि भाई अपनी फिजिक पे काम करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और रनिंग कर लो। एक्सरसाइज में भी जैसे घर पे एक्सरसाइज ज्यादा करना, नॉट लाइक कि जिम में बल्की बॉडी बना ली जाके, उस तरह का उनका बहुत बिहेवियर है कि मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से घूमना फिरना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर एक लाइन में बोलो तो इस तरह की पर्सनालिटी होने वाली है आपके पार्टनर की, और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि जब आप मिलोगे तो, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट दैट कि आपको बहुत क्वालिटी टाइम मिले विद योर पार्टनर एंड आप दुनिया घूमो, इंजॉय करो एक दूसरे के साथ। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जैसे हर रिलेशनशिप में होते हैं वो तो होंगे ही, वहां आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, बिकॉज ही इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन। जब खुद की गलती नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं मानने वाले, चाहे आप रो लो उनके सामने, बिकॉज ही वाज लाइक दैट आई एम ऑलवेज राइट, मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं गलत और अभी भी मैंने नहीं बोला तो मेरे पे मत डालो। होता है ना वो स्टबर्ननेस हो जाती है जब इंसान को लगता है भाई मैं तो रेयरली ही कभी कुछ बोलता हूँ, आज बोला है तो आज मेरी चलेगी, तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही ऑल्सो हैव। और ऐसे में होता है क्या है कि जो पर्सन कभी नहीं बोलता, जब वो कभी कभी बोल देते हैं, डांट देते हैं, तो ज्यादा बुरा लगता है, तो वो इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। पर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कलेश हो, सब कुछ चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा खुश हो आप अपने रिलेशनशिप से, बहुत अच्छी मैरिज आपकी है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है वर्क प्लेस में मिल जाओ, प्यार हो जाए, प्रपोजल दिख रहा है, सेलिब्रेशंस दिख रही है, हो सकता है कि चलो अरेंज मैरिज भी हो जाए तो उसके बाद भी आपके बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, उनको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी जी जान लगाएं, आपको सरप्राइज देने के लिए, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो सारी क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए, जो आपने एक्सपेक्ट करी थी कि हो मेरे पार्टनर में, वो मेरे को ऐसे पैम्पर करें, वो मुझे ऐसे पैम्पर करें, और आप भी उनको करोगे डेफिनेटली। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुश हो। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अपस एंड डाउन जैसे लाइफ में आते रहते हैं, वो आते रहेंगे, आप दोनों उनसे बाहर निकलते रहोगे, ओवरकम करते रहोगे और लाइफ बहुत अच्छी चलती रहेगी। और पैसों के मामले में कहूँगी बहुत स्ट्रांग है किस्मत, बहुत स्ट्रांग है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लक्की हो, एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद एक दूसरे के लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, कि मतलब आपका भी पैसा बढ़ रहा है, उनका भी पैसा बढ़ रहा है, काफ़ी मतलब ग्रोथ है उस वाइज से, पैसे वाइज आप सिक्योरिटी रख सकते हैं अपनी लाइफ में। हो भी सकता है इस तरह का फेजेस आए जब आपको लगे कि पैसा कम है, इतना नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो, क्योंकि पैसा है आपकी किस्मत में और आपके पार्टनर की किस्मत में भी, दोनों की में, तो जब साथ में मिल जाओगे तो और ज्यादा करने वाले हो, और ज्यादा कमाने वाले हो। और पैसा जब रहता है तो एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है रिलेशनशिप में, एक काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, बिकॉज इफ यू हैव मनी तो वो चीज है। सेंसिबल पर्सन है, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, बुरी आदतें नहीं है, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है एंड एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट सेक्शन में जाके क्लेम जरूर करना रीडिंग को और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।